ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से सैयद मोइन को रियासती नायब सदर नामजद किए जाने पर नांदेड़ शहर के अक्सरती मुस्लिम इलाका हताई में इनका मोहम्मद सोहेल रमजानी उर्फ गुड्डू की टीम ने शानदार इस्तकबाल करते हुए इन्हें गुलदस्ता पेश किया और जोश व खरोश के साथ रैली का एहतमाम किया। मुस्लिम अक्सरती इलाका हताई करबला सैयदान महल के नौजवान ने सैयद मोइन को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सैयद मोइन ने सभी अवामुन्नास का शुक्रिया अदा करते हुए इनके लिए बेहतर से बेहतर काम करने की यकीन दहानी कराई और मुस्तकबिल में मजलिस को मजबूत बनाने के लिए काम करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अजहर, फजलुर रहमान, मकबूल भाई, मोहम्मद परवेज उर्फ बल्लू और सैकड़ों महबान मजलिस मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर इम्तियाज़ जलील साहब ने सैयद मोइन साहब को महाराष्ट्र वाइस प्रेसिडेंट बनाकर उनको मुबारकबाद दी। इस्तकबालिया प्रोग्राम लिया गया है लिबर्टी फंक्शन हॉल में, हतई के गनीपुरे के नई मस्जिद के सैदान के कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं। सैयद मोइन साहब की गुलपोशी की गई है और मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इम्तियाज़ जलील साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने सैयद मोइन साहब को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आज जो प्रोग्राम रखा गया है सैयद मोइन साहब की गुलपोशी की गई है इसलिए कि वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र बनाया गया उन्हें, कि असदुद्दीन अवैसी साहब का और इम्तियाज़ जलील साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं हम जो सैयद मोइन साहब को ये पोस्ट दी गई। और इंशाल्लाह हमारी तमन्ना ये है आने वाले इस साल में सैयद मोइन साहब को हम MLA के रूप में देखें, इंशाल्लाह ताला वही देखेंगे। और जो पब्लिक का वलवला जो जोश था, आज की जो रैली थी सैयद मोइन के इस्तकबाल में रखी गई थी लिबर्टी फंक्शन हॉल में, कसीर तादाद की पब्लिक ने इस्तकबाल किया और पूरे वार्ड के कुमा टेकड़ी, करबला, सैयदान, अनिपुरा, दीवानी बोली, हर जगह की पब्लिक मौजूद थी, ये नई मस्जिद, हर जगह के बच्चे मौजूद थे। इंशाल्लाह आने वाले साल में सैयद मोइन साहब MLA के रूप में देखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब को महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट बनाकर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोइन साहब उस जिम्मेदारी पे पूरा उतरेंगे और हमें उम्मीद है कि 2024 में आने वाले नांदेड़ में सैयद मोइन साहब एक MLA के तौर पर उतरेंगे। और ये गुलपोशी का जो प्रोग्राम रखा गया था हतई, नई मस्जिद, हवेली, सैयदान, करबला के नौजवानों में खुशी की लहर थी, इस मौके पे गुलपोशी का प्रोग्राम रखा गया था। हम तमाम आने वाले अवाम का शुक्रिया अदा करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हमारे मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हसन साहब और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट जनाब इम्तियाज़ अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जाबिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह आने वाले में सैयद मोइन साहब MLA बनेंगे और इंशाल्लाह महानगर पालिका के अंदर, इंशाल्लाह महानगर पालिका के अंदर 20 से 25 सीटें इंशाल्लाह आएंगे।